राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीने में तेज दर्द होने के बाद जयपुर के SMS हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस बात की जानकारी खुद अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि कोरोना होने के बाद मुझे श्वास संबंधी समस्याएं हो रही थी और कल से मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा था। अभी SMS हॉस्पिटल में अपना सिटी NGO करवाया है, इसके बाद एंजियोप्लास्टी की जाएगी। मुझे खुशी है कि मैं इसे SMS अस्पताल में करवा रहा हूँ। मैं ठीक हूँ और जल्द ही वापस आऊँगा। आप लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि सीने में दर्द के चलते हॉस्पिटल में CM अशोक गहलोत की एंजियोग्राफी कराई गई, जिसमें उनकी नस में 90% ब्लॉकेज पाया गया। वहीं डॉक्टर के मुताबिक ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाएगी। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम अभी सलाह मशवरा कर रही है। गौरतलब है कि CM के अस्पताल पहुंचने के साथ ही SMS हॉस्पिटल प्रशासन ने भी तुरंत टीम तैयार की। वहीं इसके बाद वहां पहले से मौजूद अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, SMS अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा सहित कार्डियोलॉजी सहित अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उन्हें हैंडल किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद रहे। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में आ गए थे। इसके बाद से ही उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने की आराम की सलाह दी है। साथ ही 29 अप्रैल 2021 को CM गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इससे पहले 28 अप्रैल को उनकी पत्नी सुनीता गहलोत को भी कोरोना वायरस संक्रमित हुआ था।